हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइस, आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम बताने वाले हैं जिस किस कॉलेज को NCERT ने परमिशन दे दिया है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमको क्या करना है। आप लोगों का डाउट था, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज को परमिशन मिला है, तो इसी के लिए आज का ये हमारा वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और अपडेट दे दूं आप सभी को। NCERT की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 5 जुलाई 2024 को। NCERT ने एक लास्ट में नोटिस लाया था 4 जुलाई को, जिसका मैंने वीडियो लास्ट वीडियो में बनाया, जिसमें नेक्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, नेक्स्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें हमने NCERT की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं उसको भी मैंने मेंशन किया था। आज उसी में से एक स्टेप NCERT ने फॉलो भी किया है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पनिशमेंट ऑफ फैकल्टीज़ दोज हु आर फाउंड फिजिकली एब्सेंट बट प्रेजेंट ऑन पेपर। अब कॉलेज की तानाशाही नहीं चलेगी उस टाइप का कि वो क्या करते हैं, ऑन पेपर टीचर को रखते हैं, बाकी के टीचर जो है सस्ते में काम चलाने के लिए काम चलाओ टीचर रखते हैं। जैसे कि BMS अभी अभी जस्ट क्वालिफाई किया है, उसी को टीचर बना देते हैं। अब ऑन पेपर जो टीचर है वो काम नहीं आएगा, अब आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको वो क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। इसी पर ये मेंशन किया गया है कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, इट इज़ ब्रिंग टू योर नोटिस दैट अ नंबर ऑफ कंप्लेंट अबाउट फिजिकल एब्सेंट बट प्रेजेंट ओनली ऑन पेपर टीचर इन वेरियस ASU आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी कॉलेज हैव बीन रिसीव इन द कमीशन। अब इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, टीचर के लिए अब कोड बनाया जाएगा, हु फाउंड फिजिकली एब्सेंट वर्किंग ओनली ऑन पेपर विल बी हेल्ड फॉर द सेशन 2024-25 के लिए उसको रोक दिया जाएगा। अब द सेकेंड पॉइंट क्या है, द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विद होल्डमेंट ऑफ टीचर कोड सेल बी शोन एज गैप पीरियड ऑन OTMS पीरियड। टीचर कोड सेल बी विद हेल्ड विथ एफेक्ट फ्रॉम द डेट प्रोनाउंसमेंट ऑफ पनिशमेंट लेटर। हेंस इट इज इन्फॉर्म दैट फैकल्टी फाउंड फिजिकली एब्सेंट बट प्रेजेंट ओनली ऑन पेपर शैल बी सब्जेक्टेड द एफॉर्मेशन्ड पनिशमेंट। कुल मिला के अगर ऑन पेपर टीचर मिलता है और वो ग्राउंड लेवल पे नहीं रहता है तो उसको पनिशमेंट ये रहेगा कि उसको वो होल्ड कर दिया जाएगा, उनको 2024-25 के लिए उनका सेशन ख़त्म, उनको कुल मिला के सैलरी ख़त्म। ये बहुत ही बड़ा अपडेट था और ये होना भी चाहिए था, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए NCERT को। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर डायसेक्शन के लिए बॉडी नहीं है, उस साथ ही साथ हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए सामान नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें NCERT को ध्यान में रखकर नए नए रूल लाने चाहिए। बहुत ही अच्छा किया NCERT ने, मैंने जो रिक्वेस्ट किया उसका फर्स्ट स्टेप इसने कंप्लीट भी किया NCERT की तरफ से। आगे भी ऐसे करते रहे ताकि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके। अब हम बात करते हैं आगे की। NCERT की तरफ से जो वेबसाइट है NCERTIndia.org, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो परमिशन लेटर होता है वो हर एक कॉलेज को उसके ईमेल पर भेजा जाता है। ये परमिशन लेटर कॉलेज के पास होगा और किस कॉलेज को परमिशन आया है वो आप हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन डेस्क पे क्लिक करना है आपको।
इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है और आपको जाना है परमिशन स्टेटस ASU SR कॉलेज के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ये तीन ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद आपको जो जिस कॉलेज के लिए है, जिस कोर्स के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो कॉलेज, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मुझे अभी आयुर्वेदा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर किस ईयर के लिए, यहाँ पर हम मुझे 2023-24 का अभी डेटा दिखा रहा है, मतलब 2025 का भी डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। जैसे 2025 का डेटा यहाँ पर अपडेट होगा तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट कर दूँगा। बाकी कैसे चेक करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी लिस्ट पड़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ टोटल आयुर्वेदा कॉलेज 14 मार्च को जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसके बारे में ये है। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये PDF खुलेगा, ये PDF होगा, इस पर ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं क्लिक करता हूँ फिर भी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सारे कॉलेज, जितने भी UP के टॉप कॉलेज हैं या महाराष्ट्र के, इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, उस कॉलेजों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। कॉलेज ID, किस स्टेट से है, नेम ऑफ कॉलेज एंड ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एडिट कॉलेज है या प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज है, इसका नाम मेंशन होगा। ये जैसे देखें DY पाटिल जो सबसे फेमस कॉलेज है डिमांड, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर मेंशन है। बाकी का आप देख सकते हो, उड़ीसा में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है। ये है सारा कुछ, यहाँ पर जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेजों का नाम यहाँ पर मेंशन है। इन कॉलेजों को परमिशन मिलने वाला है। ये ओनली कौन सा डेटा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये टोटल लिस्ट ऑफ कॉलेज जो कि आयुर्वेदा में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक इन सभी कॉलेजों को अभी तक परमिशन लेटर नहीं आया है, इनको परमिशन मिलने वाला है। अब किस कॉलेज को परमिशन मिल गया है, किस कॉलेज को परमिशन लेटर आ गया है, वो आपको उसी कॉलेज से बात करना पड़ेगा, वही कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि जो कॉलेज होता है कॉलेज के पास ही परमिशन लेटर जाता है, कॉलेज के ईमेल एड्रेस पे, उसी ईमेल एड्रेस से वो डाउनलोड करके आपको भेजेंगे। तो इस मेरे पास कुछ कॉलेजों का जो परमिशन लेटर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री संतनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल चुका है, 1 जुलाई को परमिशन आया है इस कॉलेज का। दूसरा कॉलेज नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसको परमिशन 27 जून को आ गया था। एक और कॉलेज बिमला फैमिली आयुर्वेदिक कॉलेज को भी परमिशन मिल चुका है, इसलिए आपको डायरेक्टली कॉलेज में बात करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कॉलेज को परमिशन मिलने वाला है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सभी को परमिशन मिलने वाला है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेज 541 है, आपको मैं टोटल दिखा दूँ, 541 कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजों को परमिशन मिलने वाला है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको बता दूँ कि हम लोग पेड काउंसलिंग भी करवाते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।